सागर जिले के बहेरिया थाना अंतर्गत फायरिंग रेंज के पास लूट की घटना का पुलिस ने 24 घंटे के अंदर खुलासा किया और 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। CSP अमृता दिवाकर ने बताया कि फरियादी अजीज उर्फ गुड्डू खान निवासी भोपाल 18 नवंबर को बोलेरो पिकअप वाहन की डिलीवरी करने सिंगरौली जा रहा था, जिसमें सीहोर से सागर के 3 लड़के लिफ्ट लेकर बैठे थे, जिन्होंने 19 नवंबर की रात 1 बजे बहेरिया थाना क्षेत्र की फायरिंग रेंज के पास सुनसान रास्ते का फ़ायदा उठाया और ड्राइवर से मारपीट की और चाकू से डरा धमकाकर बोलेरो वाहन मोबाइल और नकदी लूट कर ले गए थे। इसके बाद अजीज और गुड्डू खान की रिपोर्ट पर बहेरिया थाना में मामला दर्ज किया गया था। पुलिस महानिरीक्षक अनिल शर्मा और पुलिस अधीक्षक अतुल सिंह के निर्देश पर CSP अमृता दिवाकर के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। पुलिस ने अनमोल पिता बिहारी प्रजापति 19 वर्ष निवासी मकरोनिया और 2 बालकों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने बोलेरो पिकअप वाहन और घटना में प्रयुक्त हथियार बरामद कर लिया है। सागर से अनिल वर्मा के साथ सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। 19/11 की को हमारे यहाँ एक फरियादी ने पुलिस को सूचना दी करीब 3 से 4 के बीच में कि उसके साथ 1 बजे के करीब जो है वो लूट की घटना हुई है। घटना का स्पॉट जो उसने फायरिंग रेंज रोड बताया था। जब हमने आगे उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि 18 तारीख को वो भोपाल से होरा से उसने 3 लोगों को लिफ्ट दी थी। दरअसल हमारा जो फरियादी था वो इंदौर से नया बोलेरो पिकअप वाहन लेकर सिंगरौली जिला जा रहा था, जिसको वहाँ पर उसे डिलीवर करना था। रास्ते में उसने 3 लोगों को लिफ्ट दी शुरुआत में। फिर उस सागर पहुँचने के बाद इन तीनों ने उसे चाकू दिखाकर उसको एक पर्टिकुलर स्थान जो कि हमारा ये फायरिंग रेंज रोड थी वहाँ जाने के लिए उसे कहा। वहाँ जाकर उसे डरा धमकाकर उसका जो है वाहन छीन लिया। उसके पास करीब 700 रुपये थे और उसका जो कीपैड मोबाइल था वो भी इन लोगों ने छीन लिया। फरियादी ने करीब जैसे तैसे हम लोगों को 3 से 4 के बीच में इस तरह की सूचना दी थी। बाद तफ्ती जब हमने शुरू करी तो ये सामने आया, मुखबिर से ये पता चला कि ये जो हमारा वाहन है जो लूट में जो वाहन लूटा गया है वाहन ये सानौधा बहेरिया क्षेत्र में जो लिधौरा घाट स्टेशन पड़ता है वहाँ पर रखा हुआ है। जब वहाँ से फिर टीम भेजी गई जहाँ से वाहन जो है बरामद हुआ। इसके बाद इसमें 3 लोगों का नाम सामने आया, जिसमें एक जो हमारा एक अनमोल प्रजापति है जिसकी उम्र करीब 18 से 19 है। इसके साथ जो है 2 बाल अपचारी भी थे। तीनों को जब पकड़ा गया तो उनसे गाड़ी की चाबी व जो घटना में प्रयुक्त चाकू और उसका कीपैड मोबाइल और जो कुछ 700 रुपए थे वो बरामद हुए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।